हेलो एवरीवन, स्टडी अपडेट ऑन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए यूपी पुलिस 49,500 वाली भर्ती को लेकर के ब्रेकिंग न्यूज और रिजल्ट की अपडेट लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में जो बेल आइकन की घंटी है उसको प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे तेज आपको मिल सके। क्योंकि स्टडी अपडेट नाम एक ऐसा चैनल है जो सत्य और सटीकता के साथ एकदम रियलिटी जानकारी देता है, विद एक्सप्लेन के साथ बताता भी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। यूपी पुलिस 49,568 ब्रेकिंग न्यूज रिजल्ट अपडेट। लिंक एक्टिवेट, ओरिजिनल लिंक ये है, देखो अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड, सत्य एवं सटीक जानकारी सबसे पहले सबसे तेज। स्टडी अपडेट वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर देना। तो दोस्तों, ये वही वेबसाइट है जिसके द्वारा यहाँ पर बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए थे मार्च और सितंबर के अंदर। सितंबर के लास्ट महीने के अंदर काफ़ी बच्चों के यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए थे, और एडमिट कार्ड उन्हीं बच्चों का यहाँ पर डाउनलोड हुआ था जिन बच्चों के 80% से ऊपर थे। उन बच्चों का यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ था, काफ़ी बच्चों के यहाँ पर एडमिट कार्ड शो हुए थे, बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड यहाँ पर नहीं खुले थे। मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर देखा है कुछ बच्चे ऐसे हैं शरारती टाइप के, वो कमेंट में गालियां देना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके जो नंबर हैं वो इतने घटिया नंबर हैं, 130 या 140 या 150 इतने ही नंबर आ रहे हैं। वही लोग यहाँ पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं और गालियां देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर कमेंट सही आते हैं क्योंकि सर ने अभी तक जो भी जानकारी दी, इन्फॉर्मेशन दी, वो बोर्ड को सही दी, गलत कभी भी न्यूज़ नहीं दी और नहीं देता हूँ, विद प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। इन जो बच्चे हैं, ये जो हैं बच्चे 130 और 150 वाले, यही बिल्कुल बिल्कुल ही घटिया बच्चे हैं जो यहाँ पर गाली देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला, गाली देने से भौंकते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, कुछ नहीं होगा। जो हमारे रियल सब्सक्राइबर हैं, जो समझते हैं कि सर जो भी न्यूज़ देते हैं वो हेल्पफुल देते हैं, और मैंने एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट से मैंने बच्चों के लिए लाइव एडमिट कार्ड दिखाए थे, और हमने रिजल्ट जो डेट थी वो आपके लिए 12 तारीख बताई थी। 12 तारीख को आपको नोटिस आया था, मैंने विधि पूर्व के साथ बताया था कि आपको 12 तारीख को नोटिस आ जाएगा। उसके बाद हमने 14 तारीख के रिजल्ट डेट बताई, आपके लिए लिंक एक्टिवेट हो गई। 15 तारीख हो गई दोस्तों, और फिर आपको एक कट ऑफ की वीडियो कट ऑफ आ गई, यानी पाँच कहाँ कहाँ से। दोस्तों, जो भी हमने बताया आपके लिए देखने को मिला और रिजल्ट अब तक आया नहीं। तो दोस्तों, हमने जो कहा था उस डेट पे आपको कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिला, और लिंक भी एक्टिवेट हुई। लिंक बिल्कुल ओरिजिनल थी और लिंक ओरिजिनल है, ओरिजिनल रहेगी, और इसी लिंक पर यहाँ पर बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू होंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लेना, और एडमिट कार्ड हमने जो बताया है 80% से ऊपर होंगे, उन्हीं के एडमिट कार्ड यहाँ पर शो किए जाएंगे। जो बच्चे यहाँ पर गाली दे रहे हैं उसे गाली देने से कोई नहीं फ़ायदा है, क्योंकि आप गाली ही देते रह जाओगे और यूपी पुलिस 49,568 से सिलेक्शन से भी रह जाओगे, ये 100% मेरा वादा है। क्योंकि जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कभी भी सिलेक्शन नहीं पा सकते। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप दोस्तों। यहाँ पर एक कट ऑफ जो सरकारी एग्जाम एक वेबसाइट है, उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी पुलिस 49,500 कॉन्स्टेबल कट ऑफ रिजल्ट 2019 कमिंग सून। अब यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है यूपी पुलिस 49,568 कॉन्स्टेबल कट ऑफ रिजल्ट 2019। इससे पहले इन्होंने जब कट ऑफ आई थी रात को, हमने वो फेक कट ऑफ बताई थी, 14 नवंबर 2019 के अंदर आई थी, शाम के टाइम वो काफ़ी वायरल हुई थी, और दोस्तों वो भी लिंक यहाँ वो भी कट ऑफ बिल्कुल फेक थी, मगर आई तो सही। इन्होंने भी यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड किया, उसके बाद यहाँ से उसे हटा लिया गया। अब दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, काफ़ी दिनों से यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ कि एक वीडियो आ रही है कि 16 नवंबर से दौड़ होगी, 15 नवंबर को कट ऑफ आएगी, 20 नवंबर से DPFT होगा, 25 नवंबर से दौड़ होगी, 30 नवंबर से आपके यानी दौड़ समाप्त हो जाएगी, या दिसंबर से पहले पहले। मैं काफ़ी देख रहा हूँ पल पल पर वीडियो आ रही हैं, मिनट मिनट पर, घंटे घंटे बाद कि रिजल्ट घोषित हो गया, चेक कर लो, नाम आ गया, चेक कर लो। दोस्तों, मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ, बच्चों में इतनी समझ भी नहीं है कि स्टडी अपडेट टाइम एक ऐसा चैनल जो आपको सत्य और सटीक जानकारी देता है, सही न्यूज़ देता है, सही प्रोवाइड कराता है, बच्चों में इतनी समझ नहीं है कौन क्या कर रहा है। पता नहीं
खुद ही आप बेवकूफ़ हो जो वीडियो जा करके देखते हो, कुछ भी नहीं। जब भी हम अपडेट देते हैं विद प्रूफ के साथ समझाते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं। काफ़ी बच्चे मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर वही गाली देना, कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला, मैं कमेंट को बंद कर दूंगा। क्या करोगे, नहीं दे पाओगे, कुछ भी क्वेश्चन जानकारी नहीं मिलेगी। जो बच्चे अच्छे कमेंट करेंगे उनका रिप्लाई दिया जाएगा, 100% समझा दिया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनका मैं रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि उनकी अच्छी कमेंट आती है, वो पूछते भी हैं। कुछ बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे हैं, मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि दोस्तों वो अच्छे बच्चे हैं जो कमेंट मेरे पास करते हैं, मैं उनका रिप्लाई देता हूँ। बहुत सारे कुछ ऐसे फरारती टाइप के हैं जो मैंने बता दिया, उनके कुछ यहाँ पर नंबर 150 हैं, वही यहाँ पर आकर के दूसरे चैनलों से आ जाते हैं और अदर यहाँ पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। करीब मैं मानता हूँ मेरे चैनल पर काफ़ी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो अच्छा कमेंट करते हैं। करीब 96-97% जो बच्चे हैं काफ़ी बेहतरीन कमेंट करते हैं, कमेंट करते थे, मगर हमने जो रिजल्ट की डेट बताई थी रिजल्ट नहीं आया। अब मुझे एक बात बताइए, अमर उजाला, न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान, ये सभी ने यहाँ पर छापा, किसी ने तुमने जाकर के पूछा अमर उजाला, हिंदुस्तान या भर्ती बोर्ड से कि ये 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ रहा था वो कहाँ पर गया, कौन सी जगह गया कि नकलू से भी चला नहीं है, इलाहाबाद रखा हुआ है कि कानपुर रखा हुआ है, ये तुमने जांच पड़ताल की कि रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आया? सिर्फ आए कमेंट और बॉक्स के अंदर वही आपने रामायण पढ़ना शुरू कर दी, इससे क्या होने वाला? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा इससे बिल्कुल भी। मैं कहता हूँ क्लियर, सबूत रखिए। काफ़ी बच्चे कहते हैं कंप्लेंट करेंगे, वो करेंगे, फलाना करें, दिखाना करें, किस बात की कंप्लेंट? कौन सा गुनाह कर रहे हैं, कौन सी हमने चोरी की है, कौन सा हमने साइबर डाटा चुराया है, कौन सी हमने बैंक डिटेल चुराई है, कहाँ से हमने पैसे चुराए हैं, किसकी वीडियो हमने चोरी की है, किसका थंबनेल चोरी किया है, हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है? अरे भाइयों, उसी के खिलाफ तो कंप्लेंट करोगे जिसके खिलाफ कोई हो या गलत काम किया है। अरे भाई, हम तो एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो भी सत्य और सटीक। जाइए भर्ती बोर्ड के पास, उनसे पूछिए, अमर उजाला वालों से पूछिए, उनसे कहिए कि ये सब क्यों नहीं हो रहा, आप बार बार डेट पे डेट दे रहे हो, हमें गुमराह कर रहे हो, हमारी इसमें क्या गलती है? हम तो जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं सही देते हैं, गलत किसी को नहीं देते, डिटेल में समझाते हैं। लिंक भी एक्टिवेट हुई है, लिंक ओरिजिनल भी ओरिजिनल है। हा? मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, मैंने कमेंट बंद किए हैं कुछ वीडियो के, मैं क्लियर कहता हूँ। काफ़ी बच्चे यहाँ पर वो ये शरारती तत्व वाले जो मूर्खता भरे यहाँ पर उनको अज्ञानता से भरे हुए हैं, नॉलेज नाम की चीज़ नहीं है, इंटर हाई स्कूल कर लिया, पेपर दे दिया है, गुरु का सम्मान नहीं करना जानते, एबीज देने देबीज जो बस एबीज का वर्ड प्रयोग करते हैं, माँ बाप का सम्मान करना नहीं जानते। गुरु का सम्मान करना सीखिए, माँ बाप का भी सीखिए, गाली देने से कुछ नहीं फायदा, अच्छे कमेंट करिए, अच्छा रिप्लाई दिया जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जो हम गलत काम, ये चीज़ पड़ताल करिए, इस चीज़ को जांच करिए कि कट ऑफ कहाँ से आ रही है। रिजल्ट भर्ती बोर्ड बता रहा है कि 2 से 3 दिन में अखबार न्यूज़पेपर में आ रहा है, हिंदुस्तान में आ रहा है, नवभारत टाइम्स में आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस में आ रहा है, काफ़ी न्यूज़पेपर में, उनसे जाकर पूछिए, भर्ती बोर्ड के पास जाइए, किसी अच्छे चैनल के पास जाइए, वहाँ से पूछिए। हम जो न्यूज़ दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन, हम जो भी न्यूज़ दे रहे हैं गलत न्यूज़ नहीं देते, सही न्यूज़ देते हैं, और रिजल्ट आपका बहुत जल्दी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, न्यूज़ आएगी आपको बता दिया जाएगा। मैंने बहुत सारे जो भी डेट दी थी उस डेट को कुछ ना कुछ आया, 2013 वाला रिजल्ट आया, उसकी कट ऑफ आई 14 को, हमने बताया था कि रिजल्ट आपका शाम तक जा रहा हो, कट ऑफ भी आ जाएगी, कट ऑफ आपको देखने मिल गई, कहाँ से किसी ने डाल दी शरारती तत्वों ने जा करके, उनके खिलाफ हमने ये नहीं सोचा कि ये कट ऑफ कहाँ से आई, इसकी जांच पड़ताल करो, हमसे आते हो कमेंट बॉक्स में रामायण पढ़ना शुरू कर देते हो। भाई इससे कुछ नहीं होगा, समझिए, थोड़ा तमीज में रहिए। मेरे जो अच्छे सब्सक्राइबर हैं उन्हों तो उन्हों उनको लिए तो पता है, जो काफ़ी 96-97% में मानता हूँ फीमेल भी हमारे चैनल पर काफ़ी अच्छी हैं, जो अच्छा कमेंट भी करती हैं, कुछ ऐसे मतलब गर्ल्स हैं जिनको मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, समझदार समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। अच्छे कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा, रिप्लाई भी किया जाएगा, समझाया भी जाएगा, और जो भी न्यूज़ होगी हम आपके लिए अच्छा ही बताएंगे, किसी बच्चे को गुमराह करने वाली हमारी कोई बात नहीं है। दोस्तों मैं ये कहता हूँ, किसी चैनल से कंपटीशन मत करिए, किसी चैनल की बुराई मत करिए यूट्यूब पर, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब की गाइडलाइंस है, यूट्यूब की पॉलिसी है, इसको पढ़िए तब आप यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू करिए, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि वीडियो आए यूट्यूब खोल लिया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, भाई साहब बहुत बड़ा यूट्यूब पर टाइम लगता है वीडियो बनाने में, काफ़ी ये होता है कि आपको एक ऐसा करिए जो कमेंट करते नहीं है, अपना एक चैनल बनाइए और जा करके आप वीडियो अपलोड करना, तब आपको पता चल जाएगा कि यूट्यूब से
क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि यूट्यूब से पैसा है, क्योंकि यूट्यूब से तो हम बहुत बड़े पैसा वाले हो जाएंगे, महल खड़े कर देंगे, फॉर्चूनर, ओडी, फरारी, ये सब गाड़ी खरीद लेंगे। अरे भाइयों, ये तुम्हारी गलत सोच है, इसको सोच से बाहर निकलिए। फिर पर सिर्फ न्यूज़ देने के लिए इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब पर कोई इतना बड़ा रकम नहीं है जिससे तुम सोच रहे हो। चैनल बना लो आप, खबर देने लग जाओ, किसी की तो दो, अच्छा काम करिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, अच्छी अच्छी न्यूज़ दीजिए, किसी को अच्छी जानकारी देना सीखिए। मानता हूँ, मैं यही कहूँगा, समझदार के लिए अच्छा ही सारा काफ़ी है। काफ़ी बच्चे समझदार हैं जो समझ चुके होंगे हम क्या कह रहे हैं। ये कट ऑफ भी देख लीजिए, 49,568 यहाँ पर डाली हुई है, वेबसाइट पर भी आई है। और मैं आपके लिए, जो काफ़ी बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि ये लिंक फेक है, ये ही लिंक ओरिजिनल है, इसी से ही डाउनलोड आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड 49,568 वाली भर्ती के हुए होंगे और आगे भी होंगे, इस चीज़ को नोट कर लेना। अब मैं दिखाता हूँ वो कौन सी लिंक है जो काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पर बताते हैं कि ये 2018 वाली लिंक है। कान खोल करके सुन लो और आंखों से देख लो, ये वही लिंक है जिससे अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए थे 3-3 बार। अब ये दोबारा से एक्टिव हुई है और इसी पर ही रिजल्ट होगा। ये नया सॉफ्टवेयर, नई वेबसाइट क्रिएट की जाती है भर्ती बोर्ड के द्वारा। मैं आपके लिए दिखाता हूँ वो कौन सी लिंक है जो काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पर कहते हैं। ये देखिए, ये वो लिंक है, ये है 2018 वाली, 41,520 वाली ये लिंक है। और इस चीज़ को नोटिस कर लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है cdn.digialm.com, यहाँ पर लिखा हुआ है द लॉग इन टू फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 11/2018, 8/12/2018। ये वो लिंक थी 41,520 वाली भर्ती की, ये लिंक अब बंद हो चुकी है, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, जो काफ़ी अभ्यर्थी कहते हैं कमेंट बॉक्स में, सर अरे ये तो आप फेक बता रहे हो, ये तो 2018 वाली है। अरे 2018 वाली लिंक ये है, इसको नोटिस कर लेना। अब मैं दिखाता हूँ ओरिजिनल लिंक वही है जिससे एडमिट कार्ड डाउन, ये है दोस्तों ओरिजिनल लिंक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, आंखों से देख लेना, समझ लेना। और स्टडी अपडेट विश्वास करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसे ही विश्वास बनाए रखिए, सपोर्ट करती रहिए, चैनल को शेयर करती रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करवाइए और वीडियो को लाइक करिए। यहाँ पर देख लेना DEVHF.G01DIGL, ये ही ओरिजिनल वेबसाइट है और ये अभी खुल रही है, वो तो पूर्ण रूप से बंद है। वो 2018 वाली लिंक थी 41,520 वाली भर्ती की, साफ साफ हमने क्लियर बता दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है द लॉग इन आई डी एंड ओल्ड पासपोर्ट कम्बिनेशन डज नॉट मैच, इस चीज़ की चिंता न करें, रिजल्ट अपलोड हो रहा है, बहुत जल्दी साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। हम तो ये चाहते हैं रिजल्ट सबसे पहले भर्ती बोर्ड की वेबसाइट जल्दी से जल्दी आ जाए। और दोस्तों यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल करके चेक करते रहें बार बार, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। लिंक दोनों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख के संतुष्ट हो जाना कि कौन सी लिंक ओरिजिनल थी, कौन सी सही थी, सर ने हमें क्या बताया है और क्या नहीं बताया, बिल्कुल गलत जानकारी नहीं दी है, इस चीज़ को नोटिस कर लेना। साफ साफ क्लियर डाउट हो गया होगा, जो बच्चे समझदार हैं समझ चुके होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमारा तो यहाँ पर एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा। मैं आपके लिए लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई भी गलत न्यूज़ नहीं मिलती है। देखिए, इनका नाम है जितेंद्र कुमार, इन्होंने कहा है थैंक यू सर, जितेंद्र जी धन्यवाद, थैंक यू सर, मेरा आएगा 26 नवंबर कानपुर में DUPST, मेरा आ गया। इन्होंने लिखा है थैंक यू सर, मेरा आ गया 26 नवंबर में DUPST है कानपुर के अंदर। तो दोस्तों इन्होंने मुझे बताया है कमेंट बॉक्स के अंदर, मैंने बच्चों के लिए दिखाया, पिछली वीडियो मैंने डाली थी, मैंने कहा था काफ़ी बच्चे वहाँ से चेक करते रहें। दोस्तों काफ़ी बच्चे जाइए चेक करिए और वहाँ से हमें बताइए किस किस का खुल रहा है, किसका नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों इन्होंने हमें बताया हुआ है, काफ़ी बच्चों ने इनके पास रिप्ले भी किया है, 7 बच्चों ने, और ये बढ़ती जा रही है संख्या। पूछ सकते हैं आपने कहाँ देखा, इनसे एडमिट कार्ड देखिए, मांगिए कि इन्होंने हमें सही जानकारी दी है, मैंने बशर्ते एडमिट कार्ड इनका देखा नहीं है। इन्होंने मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताया थैंक यू सर, मेरा आ गया है 26 नवंबर को कानपुर में है DUPST। तो थैंक यू जितेंद्र कुमार, आपने सही हमें इन्फॉर्मेशन दी। काफ़ी बच्चों के मन में तो भ्रम है कि जो भी न्यूज़ देते हैं गलत देते हैं, आप जा कर के चेक करते रहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि इनका खुल गया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भी बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर खुल जाएंगे, वो हमें बताते रहें, क्योंकि इनके नंबर मैं मानता हूँ कि ऊपर होंगे। हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कि कितने क्वेश्चन सही थे आपके, यहाँ पर कितने क्वेश्चन वालों का एडमिट कार्ड शो हुआ है। थैंक यू दोस्तों, सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, हम आशा करते हैं वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।